वैसे तो चाइना में तीन फोन लॉन्च हुए हैं, Redmi K60e, K60 और K60 Pro। तो इन तीन नमूनों में से ना मुझे K60 ज्यादा वैल्यू फॉर मनी लगी, जो जैन के एंड में या फिर फेब के स्टार्टिंग में आपको पोको F5 के नाम से इंडिया में लॉन्च होगा। तो यहाँ पे उसी की बात की जाती है जो ज्यादा वैल्यू हमें देती है। तो इसका मतलब GF के बारे में भी बात नहीं होना चाहिए ना। इतना चुभने लगा हूँ सबको, छुरा तो नहीं हूँ। तो भाई लोग, शुरुआत बिल्ड क्वालिटी से होगी। तो आगे और पीछे ग्लास मिलती है, लेकिन ये चीज कंफर्म नहीं हुई है कि यहाँ पे कौन सी टाइप की ग्लास मिलती है। एक वेबसाइट पे मुझे मिला जहाँ पे लिखा है गोरिल्ला ग्लास विक्टस, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है गोरिल्ला ग्लास विक्टस होगा, गोरिल्ला ग्लास 3 या फिर 5 हो सकता है। और फ्रेम यहाँ पे प्लास्टिक की ही देखने को मिलती है। लेकिन सबसे तगड़ी चीज भाई साहब, 30,000 के रेंज में ना स्नैपड्रैगन 8 प्लस जेनुअन, भाई कतई गॉड फॉर कॉम्पिटिशन क्रिएट करेगा ये। लग रहा है पोको F1 का बदला लेगा रे तेरा फैजू। और इसी के साथ UFS 3.1 का स्टोरेज है और LPDDR5X की यहाँ पे रैम है। तो भाई साहब, यहाँ पे परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट में कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन उससे पहले दबाना बहुत जरूरी है मेरे चैनल का सब्सक्राइब बटन। ओ हाँ, दबाना जरूरी है गाइस सब्सक्राइब। एक और यहाँ पे तगड़ी चीज मिलती है, वो है इसका डिस्प्ले। 6.67 इंच का यहाँ पे OLED डिस्प्ले मिल जाती है, जिसे 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है, SDR10 प्लस को सपोर्ट करता है, 1400 निट्स की पीक ब्राइटनेस है गाइस, और ये 12 बिट डिस्प्ले है। अभी इसमें तगड़ी चीज क्या है तो सभी देते हैं, लेकिन 2K रेजोल्यूशन नहीं कोई देता ना। तो यहाँ पे 2K डिस्प्ले मिल रहा है, जो कि इस प्राइस रेंज में भाई साहब कोई नहीं दे रहा है 2K रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले। लेकिन दोस्तों, कैमरा डिपार्टमेंट में कतई हक दी है यार। 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा सेंसर मिलता है, 8 का अल्ट्रा वाइड मिलता है, और 2 रुपए वाले लेजेंडरी तो मिलता ही है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो मेन कैमरा सेंसर है ना, OIS के साथ में है, लेकिन सबसे खराब चीज पता क्या है, वो है ओमनीविजन का सेंसर। भाई साहब, ओमनीविजन का सेंसर है तो यहाँ पे पता ही आप लोगों को ओमनीविजन। बाकी 8+2 तो GF के पापा और भाई की तरह है, पीछा नहीं छोड़ते साले। वैसे मेरी है नहीं भाई, मेरा तो कोई नहीं पीछा करता। 5500 mAh की बैटरी मिल जाती है और 67W का चार्जर मिलेगा बॉक्स में गाइस, और यहाँ पे 30W का वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट है, और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट, स्टीरियो स्पीकर्स है, और आईआर ब्लास्टर तो मिलता ही है Redmi के फोन में, लेजेंडरी है भाई। वैसे आईआर ब्लास्टर से ना पड़ोसियों को परेशान करने में मजा आता है भाई। प्राइस की बात करते हो गाइस, तो चाइना में लॉन्च हो गया, आप लोगों को पता ही है। तो उसका जो बेस वेरिएंट आता है ना 8128, वो है 2499 yuan का, यानी इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करते हो तो वो होता है लगभग 30,000 रुपए। लेकिन इंडिया में जब आएगा तो इसकी प्राइसिंग यहाँ पे बढ़ सकती है, तो यहाँ पे 32 या फिर 33 तक भी जा सकता है इसकी प्राइसिंग। तो भाई, इस प्राइस रेंज के हिसाब से ना मैं काफी किलर दोस्तों यहाँ पे फोन बोलना चाहूंगा परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट में। कैमरा के लिए देख रहे हो तो भाई, लेकिन मेरे हिसाब से वायरलेस चार्जिंग को छोड़ करके, 2K डिस्प्ले को छोड़ करके, अगर कैमरा पे काम हो जाती ना भाई, तो कते ओवरऑल एक पैकेज हो जाता भाई। लेकिन यहाँ पे कैमरा में लैग है भाई। बाकी परफॉर्मेंस के लिए देख रहे हो तो किलर स्मार्टफोन है। बोलो, लॉन्च का तो मैंने बताई दिया, जैन के लास्ट में या फिर फेब के स्टार्टिंग में आप लोगों को मिल जाएगी। वैसे सैमसंग का S22 FE भी आ रहा है भाई, काफी सारे लीक्स आ चुके हैं, तो यहाँ पे आप लोग क्लिक करके देख सकते हो, काफी इंटरेस्टिंग फोन होने वाला है। उसके पहले दबाना बहुत जरूरी है।